हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर टू। आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण में काफी अच्छी न्यूज आई थी फाइव फिंगर के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा इस न्यूज को आपको कैसे पढ़ना था, किन चीजों पर फोकस करना था और अपने सब्जेक्ट से इसे यानी कि सिलेबस से कैसे कनेक्ट करना था, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इसके नोट्स कैसे बनाने थे। देखिए, कोई भी न्यूज होती है आपको उसे पढ़ने का अप्रोच पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। आप कोई भी न्यूज़ है जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं वो आप कहीं भी पढ़े, या फिर गूगल पर, या फिर कोई भी मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, कहीं भी आपको कोई भी इशू मिल जाता है तो आपको पता होना चाहिए आपको उसे कैसे पढ़ना है और आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है और किन पॉइंटों पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इस सीरीज को बनाने का पर्पस यही है कि इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस जो फाइव फिंगर न्यूज़ थी इसे आपको कैसे पढ़ना था। काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी और उसमें से आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की चीजें थी और किस तरह से निकालनी थी। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइव फिंगर के बारे में। देखिए, फाइव फिंगर है, कोई भी न्यूज होती है तो उसमें एक की पॉइंट होता है, तो उसे आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फाइव फिंगर। अब देखिए, मैं इसे पीपीटी में बना सकता था लेकिन मैंने पीपीटी में नहीं बनाया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर जो मैंने नोट्स बनाया था उसी का पिक लगा दिया है, जिससे आप लोग समझ पाए कि इसी तरह से हमको नोट्स बनाने हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना पीपीटी पर तो इस तरह से बनाए, लेकिन हमें डायरेक्ट एक तरह से जैसे आप कोई कहानी लिखते हैं उस तरह से लिखना है, नहीं, आप लोगों को हमेशा सिनॉप्सिस के फॉर्म में ही नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और की पॉइंट होते हैं ना उन पर एकदम ध्यान चला जाता है। ओके, तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो देखिए, कोई भी न्यूज़ होती है तो उसमें एक की पॉइंट होता है, तो उसे आपको बीच में लिखना है, फिर देखना है। जैसे ये फाइव फिंगर है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा नंबर एक, ये क्या है, सबसे पहले जानना पड़ेगा ना कि आखिर ये फाइव फिंगर क्या है। और दूसरे नंबर पे मैंने लिखा इसका नाम फाइव फिंगर क्यों पड़ा। ओके, तो दूसरे नंबर पे मैंने ये देख लिया, और तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर लिखा है कि न्यूज, ये न्यूज में क्यों था, फाइव फिंगर है, आखिर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये करंट अफेयर का इशू क्यों बना है, तो आपको ये जानना पड़ेगा ना ये न्यूज में क्यों है। तो तीसरे नंबर पे मैंने ये लिख लिया, और चौथे नंबर पर आपको इसको देखना है कि हमें इसे अपने सिलेबस से, अपने सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करना है। अगर आपने ये चार चीज़ें अगर सीख ली तो आप लोग समझ जाएंगे कि हमें न्यूज़ बहुत कम समय में आप लोग पढ़ना सीख जाएंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। ओके, जिस तरह से फाइव फिंगर क्या है, तो जो चीन की सीमा है, चीन देश है ना, उससे लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें फाइव फिंगर का नाम दिया गया है। ओके, तो आपको बहुत सिंपली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चीन देश है, उससे लगे हुए कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें फाइव फिंगर का नाम दिया गया, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ज्योग्राफी से रिलेट हो गया ना, अब आप इसे मैप पर लोकेट कर लीजिए, मैप पर इसकी लोकेशन देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो नंबर एक लद्दाख है, ओके, दूसरा नेपाल है, तीसरा सिक्किम है, चौथा भूटान है, और एक अरुणाचल प्रदेश है। इन पाँच क्षेत्रों को पाँच उंगलियों का नाम दिया गया, इस तरह से पाँच उंगलियाँ होती हैं और ये पाँच यहाँ पर क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं जिन्हें उंगलियों का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ओके, ये मैप है। अब मैप में आपको खोजना है, अब इसे कनेक्ट करना है आपको अपने सब्जेक्ट से, अपने सिलेबस से। तो देखिए, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, ओके, फिर लद्दाख के बाद आपको यहाँ पर नेपाल देखने को मिलेगा, इसी तरह आपको यहाँ पर सिक्किम देखने को मिलेगा, फिर भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, ये पांच क्षेत्र हो गए, इन्हीं को क्या नाम दिया गया है, फाइव फिंगर नाम दिया गया। और आपको यहाँ पर ये तिब्बत देखने को मिलेगा, इसको हथेली बोला गया, ओके, जैसे बीच में हथेली होती है तो इसको तिब्बत बोल दिया गया, और जो पांच क्षेत्र है ना इनको उंगलियों का नाम दे दिया गया। अब ये क्यों दिया गया, किसने दिया, ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं कि इसे फाइव फिंगर का नाम क्यों दिया गया और इसके पीछे पर्पस क्या था और किसने दिया ये नाम। तो ये नाम किसने दिया, तो चीन की ये कम्युनिस्ट पार्टी है भाई, उन्होंने ये नाम दिया कि जो चीन है वो जो हथेली है उसको तिब्बत मानता है, ओके, और इससे लगे हुए क्षेत्र हैं उनको अपनी उंगलियां मानता है, और वो इस क्षेत्र को अपना मानता है, और इसीलिए अपना साम्राज्य विस्तार को यहाँ पर कर रहा है, ओके, विस्तारवादी नीति को अपना रहा है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो चीन है वो अपने पड़ोसी देश है उससे हमेशा सीमा विवाद रखता है, इसके पीछे बहुत बड़े रीजन भी है। आप लोग देखेंगे कि वो उसे एक जियोपॉलिटिक्स के रूप में भी यूज करता है, जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि जब सब पूरी दुनिया थी वो उसके अगेंस्ट में चली गई थी कि चाइना से ही कोरोना फैला, फिर बाद में उसने थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इंडिया से उसने जो सीमा तनाव था ना थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो लोग आ गए, अन्य देश थे, आपने देखा होगा यूएसए भी आ गया था उसके सुलह कराने के लिए, समझौता कराने के लिए, कि शांति कराने के लिए, तो लोगों का जो ध्यान था वो एक तरह से डाइवर्ट हो गया। इसी तरह जब चाइना पर जो उसके सामान है ना उन पर हम लोग कर बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं,
जब वो डंपिंग करने लगता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो दूसरा इसका एक तरह से जियोपॉलिटिक्स के रूप में इसका यूज करता है। ओके, तो बहुत तरह से इसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, वो आपको बाद में समझ में आएंगे जब आप आईआर पढ़ेंगे। ओके, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिब्बत को वो हथेली मानता है और इससे सटे हुए जो पांच क्षेत्र है उनको फाइव फिंगर का नाम दिया गया है। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट की देखिए, इतनी बड़ी न्यूज थी उसमें आपको क्या देखना था, लोकेशन देखनी थी, किसने नाम दिया वो भी आपने देख लिया। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं न्यूज में क्यों था। ओके, अभी न्यूज में क्यों था, देखिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो किस पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लोकतंत्र, मानवाधिकार और बहुलतावादी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कहा गया था जो चीन है उसकी जो आक्रामक नीति है ना, विस्तारवादी नीति है, उसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इसीलिए इसमें इसको नाम दिया गया था कि इसको इंडिकेट करने के लिए जो क्षेत्र हैं इन्हें फाइव फिंगर का नाम दिया गया, इस तरह से उसको दिखाने के लिए। ओके, तो आप लोगों ने सीख लिया कि फाइव फिंगर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, और इसको आपने अपने सब्जेक्ट से एक तरह से कनेक्ट करके देख लिया। ओके, और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जब मैंने प्रीवियस पार्ट आपको पढ़ाया था वहां पर श्रीलंका है वो इंडिया से आगे है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए श्रीलंका है वो मैंने देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है क्योंकि वो दैनिक जागरण में भी नीचे लिखा हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिए इसकी जो पोजीशन है वो भारत से ऊपर है, भारत से पीछे नहीं है। और भारत की पोजीशन कितनी है, 140वें नंबर की है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको गलत नहीं करना है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैंने जो प्रीवियस पार्ट बताया था तो आप लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा कि ये नीचे लिखा हुआ है तो श्रीलंका की स्थिति पीछे है, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिए। और देखिए इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा, जिम पोर्टल के बारे में। जिम पोर्टल है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे फाइव फिंगर था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, दो चार चीज़ें थी सिर्फ इम्पॉर्टेंट की, लेकिन जिम पोर्टल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत अच्छे से इसको सिखाऊंगा। ओके, समझाऊंगा, और साथ में हमारे जो कुछ राज्य है ना उनकी भी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यूपी फर्स्ट पे, गुजरात दूसरे पर, दिल्ली है, फिर एमपी, बिहार है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे सभी को प्रॉफिट हो सके।